ताजा सब्जी आ गई, ताजा सब्जी। इधर मेरी तरफ फेंको। ले लो आलू, ले लो गाजर। कैसे हो भाई? ले लो। कहाँ रह गए थे भाई? ठीक है, मैं देखता हूँ। कितनी देर यहाँ रहेंगे? चुप करो, थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हारे मुंह पे। मैंने कहा ना चुप कर जाओ। बच्ची को डरा क्यों रहे हो? हमें कुछ नहीं होगा बेटा। कब तक आएगा तुम्हारा आदमी और कितना इंतजार करना है? वो 1 घंटे तक आ जाएगा और 2 घंटे बाद सब कुछ उड़ जाएगा। ए, मैं तंग आ गया उसके रोने की आवाज से। मैं पीछे जा रहा हूं, चुप करवाओ इसे। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। हम कुछ देर में यहां से निकल जाएंगे। अब तुम रोना बंद करो ना। मैं अब नहीं रोती। बस 1 घंटे में तुम लोग तैयारी कर लो। मैं आपको एक संगीन दहशतगर्दी के हवाले से इत्तला दे रहा हूँ, एड्रेस नोट कर लीजिए। एड्रेस है हान पाशा, गली नंबर 39, घर नंबर 4। वहाँ पर मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम 2 घंटे में आम शहरियों को निशाना बनाने वाली है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग बम ब्लास्ट करेंगे। दहशतगर्द ऐसे एरिया को टारगेट करेंगे जहाँ पर आम शहरी ज्यादा तादाद में होंगे। मार्केट, पार्क्स और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो मशकूक अफराद पर नजर रखें। हमारी स्पेशल फोर्स बताए गए एड्रेस पर जाकर उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। बाकी यूनिट्स को भी हदायत की जाती है कि वो भी अलर्ट रहें। ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो तुम इस बटन को दबाओगी और हमारा काम 20 मिनट में हो ही जाएगा। पर ये सब कैसे करूंगी मैं? तो हमने उस छोटी बच्ची को क्यों बिठा रखा है? बॉम्ब उसी के साथ बंधा होगा। छोटी बच्ची बहुत बड़ा काम करेगी। वैसे तो ये काम मैं कभी किसी अनजान को नहीं देता, लेकिन जमाल भाई ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। क्योंकि जमाल भाई अच्छी तरह जानते हैं मुझे। तुम्हारे साथ यहाँ जितने भी आदमी हैं, उन सबसे ज्यादा वो मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम वहाँ पर एक काम करने वाली बनकर जाओगी, फिर वहाँ पर मौजूद हमारे आदमी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें आगे क्या करना है। ठीक है।
वो जो अंदर आदमी है अपनी जबान में समझा दो उसे, क्योंकि बच्ची उसके डर से रो रही है। बच्चे रोते रहते हैं, तुम परेशान मत हो, जाओ चेंज करो जल्दी। क्या यहीं पर चेंज करूंगी मैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या लिखा है इसमें? मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम पढ़ के बता दो। क्या लिखा है इसमें? अली कैसे हो तुम बेटा, कितने महीने हो गए तुम घर नहीं आए, मेरा हाल नहीं पूछा। मैं बहुत बीमार हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे मेहमत ने कहा था कि वो मेरा खत तुम तक पहुँचा देगा। मैंने तुमसे ये कहना था कि तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत बीमार भी है। किस्मत का फैसला क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि मेरी मौत का वक्त अब करीब है। मेरे मरने से पहले एक बार अपनी शक्ल दिखा जाओ। आप ठीक हैं? ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम फिक्र ना करो। मैंने बाबा को कॉल की थी पर वो उठा नहीं रहे। तुम्हारे बाबा अपने किसी जरूरी काम में मसरूफ होंगे, मगर वो जल्दी आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, जाओ और एक ग्लास पानी का ले आओ मेरे लिए, जल्दी जाओ। जी मैं लाती हूँ मम्मी। चलो यहां से चले। कितने साल से माँ को भी नहीं देखा, मुझे उनका खत मिला है, वो बहुत बीमार हैं। अली क्या तुम्हें लगता है ये हमें यहां से जाने देंगे? भाग जाएंगे यहां से, ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम कहीं सुकून से जिंदगी गुजारें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ यहाँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मैं भी तंग आ गई हूँ यहाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। हाँ ठीक है, यहाँ से जाते ही हम शादी करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। अली अब तुम पीछे जाओगे और मैं बच्ची के पास रुकूंगा। चलो शुरू करें।
अब तुम्हारी बारी है। ध्यान से साथियों, रिपोर्ट के मुताबिक अंदर एक बच्ची भी है। ऑर्डर के बगैर कोई भी गोली नहीं चलाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जान भी फिदा कर देंगे। हम लोगों ने हरगिज पहल नहीं करनी। कोई जगह मिली जहां से हम टारगेट कर सकें? थोड़ी देर में सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्तों, मगर कुछ गलत नहीं करना। ओके, ऑर्डर के मुताबिक चलना है और इसकी कमांड तुम करोगे। ये मेरे लिए फखर की बात है। हम 2 मिनट में अपनी पोजीशन ले लेंगे। चलो सलीम। या अल्लाह खैर करना। आप फोन नहीं उठा रहे बाबा जान। अम्मी की हालत बहुत खराब है। क्या मुसीबत है? अब ये पूछना होगा कि रात को क्या पकाऊं, मुझे क्या पता। हाँ बोलो बेगम, क्या हुआ?
बेटी क्या हुआ? चुप कर जाओ और बताओ क्या हुआ है, जल्दी बताओ। बोलो बेटा। अम्मी गिरकर बेहोश हो गई हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। सीबू, यस सर, मेरे घर जल्दी से एक एम्बुलेंस भिजवाओ। सब ठीक तो है ना सर? जी भेजता हूँ। अरे मेरी बच्ची, कुछ भी नहीं होगा अम्मी को, ठीक है, रोते नहीं, आज शाम हम घूमने जाएंगे। से जख्म है और वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अब तुम्हारा मजीद खून नहीं बहेगा। आराम से। सलीम, इस गन को अपने पास रखो और यहां से हिलना मत, ठीक है? असल अम्मी को प्यास लगी थी, पानी ना पीने की वजह से तबीयत खराब हो गई। अब तुम अम्मी के पास ही रहना, डॉक्टर अंकल रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे।
अरे ये लोग कहां से आ गए? बात सुनो, पुलिस आ गई है, उन लोगों ने हमें घेर लिया है। तुम लोग उन्हें देखो। आ, और मैं यहाँ बच्ची को संभालता हूँ, जल्दी छोड़ दो मुझे, पीछे नहीं हटना। अटेंशन, आकिफ और सलीम दोनों अंदर हैं। हम लोगों ने बहुत एहतियात से करना है सब कुछ। हिम्मत है तो सामने आओ, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। बेटी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाबा, बाबा मुझसे बात करें। बाबा, अम्मी उठिए ना। जल्दी आइए, अम्मी वहां हैं। अगर तुम लोग बाज ना आए तो मैं मार दूंगा इस बच्ची को। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ। सिबू, अगर तुम फायरिंग बंद नहीं करोगे तो बात नहीं कर सकेंगे हम। तुम्हें बात करने के लिए फायरिंग बंद करनी पड़ेगी। हमें बात नहीं करनी। तुम लोग चले जाओ यहां से। प्लीज फायरिंग बंद करो ताकि हम लोग बात कर सके। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं, अब मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। सर, मुझे इजाजत दें कि मैं इन्हें मार डालूं। बाल्टा, अगर वहां बच्ची ना होती तो मुझे भी पता है क्या करना है। ईगल वन, ईगल टू, ईगल टू हियर सर। जल्दी से तमाम लोगों को पीछे हटाकर रास्ता क्लियर कर दो। जी, जो आपका ऑर्डर सर। आकिफ साहब एक बार फिर हीरो बनकर अंदर चले गए हैं और हमसे सिर्फ मोहल्ले को खाली करवाने का काम लिया जा रहा है, जैसे हम सारे लोग पागल हैं। चलो चलो, जल्दी करो तुम लोग। जी मैं देखता हूँ सर। जल्दी। सर जी, मेरे हाथ में खुजली शुरू हो गई है, इजाजत दे मैं जान ले लूं इनकी। मुझे समझ नहीं आती तुम्हें यहाँ भर्ती किसने किया। रुक जाओ, कुछ नहीं करना, आकिफ और सलीम अंदर हैं, हमें कोई गलती नहीं करनी। कार्लोस, क्या पोजीशन है? एक दहशतगर्द मेरे निशाने पर है और उसका दूसरा साथी भी आ जा रहा है। आपका ऑर्डर मिलते ही मैं उन दोनों को शूट कर दूंगा। ठीक है, तुम इंतजार करो, अभी हमारे साथी अंदर हैं। या अल्लाह, हमारी मदद कर।
यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरे जहान पहुंचा दूंगा। मुझसे पहले ये बच्ची जाएगी। पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं बच्ची को मार डालूंगा। अगर हम मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे। तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। क्या सोच कर आए थे कि जो कुछ तुम करोगे हम तुम्हें करने देंगे? जवाब दो। बकवास मत करो और चले जाओ। करीब मत आना। को ढूंढ रहे थे ना? क्या कर रहे हो ये? इसी औरत ने मुखबरी की है। गद्दार, कोई बात नहीं, यहां से निकलने का टिकट मिल गया है। अपनी गन को फेंक दो तुम, वरना इस औरत को मार डालूंगा और उस बच्ची को भी मार देंगे। सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? फेंको, नीचे फेंको। चार जंजीर लेकर आओ और बांधो इन्हें। लाता हूं। आगे करो अपने हाथ। बहरे हो क्या? सुन नहीं रहे? अपने हाथ आगे करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी करो ना। साथी दोनों हमारे कब्जे में हैं। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना ये नहीं बचेंगे। तुम्हारा खास आदमी हमारे पास है, सुन लिया? ये क्या कह रहा है बाल्टा?
हमें धोखा दे रहा है सर। वो दोनों इनके हाथ लग ही नहीं सकते। इन्हें हमारे खास आदमी का पता कैसे चला? उसने कहा कि वो उनके पास है। अब क्या कहते हो, यहाँ से जाना कि नहीं? ईगल थ्री ईगल वन, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भाई, मैं अंदर देख सकता हूँ। हमारा साथी आकिफ और एक औरत उनके कब्जे में है। सलीम को देखा है क्या? वो नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होगा आपको अम्मी जान। मुझे अम्मी के साथ रहना है। हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सर जी, हमला करते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस काम में जल्दबाजी नहीं करते, बस अपनी आंखें खुली रखो। सब इत्मीनान से करना है बस। हमें इनसे मुजाकरात करने चाहिए। उन लोगों को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। इस्तेमाल करके उनको सिर्फ 2 घंटे ही मसरूफ रख सकते हैं, इसलिए बॉम्ब पिछली तरफ से ले जाना होगा। हम लोग जिस मिशन पर आए हैं उसे मुकम्मल करके ही जाएंगे। Oh,
الحمدللہ.